हेलो फ्रेंड्स, मैं जेएस रंधावा आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी मैंने रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी में पढ़ी। ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है, लेकिन इस कहानी का हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आइए कहानी को शुरू करता हूँ। यह कहानी पीटर नाम के एक छोटे से बच्चे की है। पीटर एक बहुत ही छोटा सा और बहुत प्यारा सा बच्चा था। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसके पेरेंट्स, टीचर्स और उसके फ्रेंड। लेकिन पीटर में एक कमजोरी थी। वह कमजोरी यह थी कि पीटर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता था। उसका ध्यान हमेशा फ्यूचर की तरफ रहता। उसने कभी अपने लाइफ का जो प्रेजेंट मोमेंट था उसको एंजॉय करना सीखा ही नहीं था। जब वो स्कूल में होता तो वो प्लेग्राउंड में खेलने के सपने देखता। जब वो खेल रहा होता तो उसको समर वेकेशन के बारे में याद आता। तो इसी तरह पीटर कॉन्स्टेंटली डे ड्रीमिंग करता रहता और कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता। पीटर ने कभी यह सीखा ही नहीं कि प्रेजेंट मोमेंट का आनंद कैसे लिया जाए। एक दिन पीटर अपने घर के पास वाले जंगल में घूमने जा रहा था तो थोड़ी देर घूमने के बाद उसका मूड अपसेट हो गया और वो थकावट फील करने लगा और वहां पे एक घास का मैदान था, वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जब वो बैठा तो उसको बैठने के बाद थोड़ी देर बाद नींद आ गई। नींद में पीटर ने आवाज सुनी कि कोई उसको बुला रहा है। पीटर ने झट से आंखें खोली तो उसे एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी और उस लेडी के हाथ में, उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक बॉल थी जिसके साथ एक धागा लटक रहा था। पीटर, उस लेडी ने कहा, यह तुम्हारी लाइफ का धागा है। अगर तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो तुम्हारी लाइफ के कुछ आवर्स सेकेंड्स में ही आगे चले जाएंगे। अगर तुम उसको थोड़ा सा जोर से खींचोगे तो तुम्हारा एक दिन झट से बीत जाएगा, और अगर आप पूरी ताकत लगा के खींचो तो आपके महीने और साल भी झट से बीत जाएंगे। पीटर को यह गैजेट बहुत पसंद आया, वो बहुत एक्साइट हो गया और उसने उस बूढ़ी औरत को कहा कि मैं इस गैजेट को आपसे लेना चाहता हूं। वह बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने उसको मैजिक वाला गैजेट जो था वो दे दिया। लेकिन उसने साथ में ही उसको समझाया, देखो पीटर, इसमें एक बार जब धागा खींच के आप लाइफ में आगे चले जाओगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा पीछे आ जाओ। तो आपने जब भी इस धागे को खींचना है तो सोच समझ के खींचना है। अगले दिन पीटर स्कूल में गया और क्लासरूम में बैठा था। वहां उसको टीचर का लेक्चर बहुत बोरिंग लग रहा था तो उसने सोचा क्यों ना गैजेट को ट्राई किया जाए। तो उसने अपने बैग में से उस बॉल को निकाला और हल्के से धागे को खींचा। अब जैसे उस बूढ़ी लेडी ने बताया था, पीटर का वो वाला दिन झट से बीत गया और पीटर अपनी शाम में चला गया जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पे बैठ के खाना खा रहा था। पीटर को इस गैजेट की पावर बहुत जबरदस्त लगी। अब उसको लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, वो लाइफ में आगे जा सकता है। बहुत ही जल्दी पीटर अपनी स्कूल वाली लाइफ से थक गया। अब वो चाहता था कि वो एक टीनेजर बन जाए और कॉलेज की स्टडी करे।
अब उसके पास गैजेट था, वह कर सकता था, तो उसने क्या किया, थोड़े जोर से गैजेट को खींचा, तो उसकी स्कूल वाला टाइम जो है वो आगे निकल गया। अब वो कॉलेज का एक स्टूडेंट था, एडोलेसेंट एज का स्टूडेंट, और कॉलेज की लाइफ उसको अच्छी लग रही थी, लेकिन ये कॉलेज की लाइफ भी उसको ज्यादा दिन अच्छी नहीं लग रही। उसने कहा कि ये कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ो, मुझे आगे देखना चाहिए कि मैं लाइफ में क्या क्या बनूंगा, मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हो। तो पीटर ने उस धागे को, उस गैजेट को इस्तेमाल किया और धागे को जोर से खींचा। अब पीटर की कॉलेज की लाइफ भी निकल गई। पीटर अब 30 साल के करीब का एक युवक था जिसकी शादी एलिस नाम की लड़की से हो गई थी और वह दोनों अपने घर में रह रहे थे। लेकिन पीटर यहां भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। पीटर ने सोचा कि आगे देखो क्या है, मेरी फैमिली इंक्रीज कैसे हो रही है, मेरे बच्चे चाहता हूं मैं। तो उसने धागे को खींचा। अब पीटर के 5 और 10 साल के दो छोटे छोटे बच्चे थे। पीटर के मां और बाप जब उसने देखा इस सिचुएशन में, वो बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो गए थे। पीटर के भी एक दो बाल सफेद होने शुरू हो गए थे क्योंकि पीटर अब अपने 40s में था और पीटर के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। यहां भी पीटर ने अपनी लाइफ के मूवमेंट को एंजॉय करने की सोचने के बजाय यह सोचा कि गैजेट से मैं आगे जाता हूं और देखता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनका उनका फ्यूचर क्या है, वो क्या बनते हैं। तो पीटर ने उस गैजेट के धागे को फिर से खींचा। अब पीटर के बच्चे बड़े हो चुके थे। पीटर के मां बाप की डेथ हो चुकी थी, पीटर की वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी थी, पीटर अपने 60s में था। तो पीटर यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। पीटर ने धागे को एक बार और खींचा। अब सिचुएशन ये थी कि पीटर के बच्चे घर से बाहर चले गए हैं, पीटर की वाइफ की डेथ हो चुकी है और पीटर अपने 90s की एज में है और वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। वो बीमार है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। यह वह समय था जब पीटर को इस बात का एहसास हुआ कि उसने धागा खींच खींच के अपनी पूरी लाइफ को बड़े शॉर्ट टर्म में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। लाइफ के जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे उनको एंजॉय नहीं किया। बचपन में उसने दोस्तों के साथ खेला नहीं, मदर फादर का प्यार एंजॉय नहीं किया। कॉलेज लाइफ में उसने टीनएजिंग की लाइफ को एंजॉय नहीं किया। मैरिड लाइफ में उसने अपने वाइफ के साथ जो प्यार था उसको एंजॉय नहीं करा। छोटे बच्चों को उसने छोटे से बड़े होते हुए एंजॉय नहीं करा। अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करी, अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करा। तो हर मोमेंट उसने फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकाल दिया क्योंकि उसके पास गैजेट था और उसको प्रेजेंट में रहने की आदत नहीं थी, उसका मन प्रेजेंट में नहीं टिकता था। पीटर को यह चीज बहुत फील हो रही थी लेकिन वो पछता रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूं। पीटर ने आंखें बंद की तो उसको फिर से वही आवाज सुनाई दी कि कोई ओल्ड लेडी उसको पीटर पीटर करके बुला रही है। पीटर ने जब आंखें खोली तो वही लेडी जिसने पीटर को ये बॉल और धागे वाला गैजेट दिया था वह उसके पास खड़ी थी। पीटर की आंखों में आंसू आ गए। पीटर ने उस लेडी को कहा कि आप ये गैजेट मुझसे वापस ले लो लेकिन मुझे मेरी जो एज है वो वापस दे दो, मुझे वहीं पे छोड़ दो जहां पे मैंने आपसे वो गैजेट लिया था। वो लेडी मुस्कुराई और उसने कहा कि पीटर आप मुझे ये गैजेट दे दो और आप लेट जाओ। अब पीटर ने वो गैजेट वापस कर दिया और वो लेट गया। थोड़ी देर बाद उसको फिर से आवाज सुनाई दी कि कोई उसे बुला रहा है, पीटर पीटर। पीटर ने जब आंखें खोली तो यह उसकी मदर थी।
और वो वही छोटा सा बच्चा था, उसकी मदर उसको स्कूल के लिए आवाजें मार मार के जगा रही थी, पीटर जल्दी उठो लेट हो जाओगे, स्कूल नहीं जाना क्या? ये सुन के पीटर बहुत मुस्कुराया। पीटर को सपने वाली पूरी बात याद आई कि क्या क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था और अगर ये सही में हकीकत हो तो ये कितना खतरनाक खतरनाक है। पीटर को आज पता लग गया था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के क्या फायदे हैं, और वो माँ की तरफ मुस्कुरा के देखते हुए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, और उसने अपनी ये जो कमजोरी थी इसको हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या हम भी पीटर की तरह कहीं फ्यूचर में ही तो नहीं रहते, क्या हम अपना प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करते हैं, या हम जो अपनी खुशी है वो हमेशा फ्यूचर में ढूंढते रहते हैं कि जब हमारा स्कूल लाइफ पूरा होगा तब हम एंजॉय करेंगे, जब हम कॉलेज में जाएंगे तब हम एंजॉय करेंगे, जब हमें अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हम एंजॉय करेंगे, जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम एंजॉय करेंगे। ऐसे ही करते करते हम अपनी लाइफ जो है वो फ्यूचर में पोस्टपोन करते हुए अपनी खुशी को बिताते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पीटर की कहानी में तो यह एक सपना था और पीटर सपने से जागा और वो फिर से छोटा एक बच्चा था, लेकिन अगर हमारी लाइफ का यह टाइम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हुए या फ्यूचर में रहते हुए बीत रहा है और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी खुशी को फ्यूचर के इवेंट्स के लिए पोस्टपोन करते जा रहे हैं और प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे, तो एक दिन कहीं हमें भी जब हम बूढ़े हो जाएंगे या जब हम बीमार हो जाएंगे या जब हमारा कुछ बहुत कुछ खो जाएगा तो हम कहीं पीटर की तरह बैठ के पछताएं नहीं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस कहानी को जरा समझने की कोशिश करें और उस कहानी से जो शिक्षा मिल रही है उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करें। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बोलते हैं कि हमें अपने फ्यूचर को विजुलाइज करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है? तो देखिए, फ्यूचर में गोल सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। हमको प्रेजेंट में काम करते हुए, प्रेजेंट में चलते हुए अपने गोल तक जाना है। अगर हम सिर्फ बैठ के अपने फ्यूचर का गोल विजुलाइज करते रहेंगे तो उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रेजेंट में रह के अपना पूरा 100% देना है। अगर हम प्रेजेंट में 100% नहीं देते तो हमें फ्यूचर का गोल भी अचीव नहीं होने वाला। ये जो स्पीकर्स हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी शुड डिफाइन आवर गोल एंड वी हैव टू विजुलाइज इट। फॉर एग्जांपल, हमने एक गोल सेट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, और मैं उसको सिर्फ बैठ के सोचता रहा कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूं, और मैंने प्रेजेंट में जो मुझे स्टडी करनी है, अपने 12th में अच्छा स्कोर करना है, AIPMT का टेस्ट क्लियर करना है, उसकी तैयारी ही नहीं करी, तो कैसे मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊंगा? मैंने MBBS ज्वाइन कर ली, चलो किसी भी तरह से, लेकिन प्रेजेंट में उसको पढ़ा ही नहीं, तो कैसे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? तो गोल सेट करो, विजुलाइज भी करो, उससे मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन प्रेजेंट में रह के काम करो। काम करना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। फ्यूचर के गोल्स की कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये आपने कुछ गोल सेट किया, आपने कुछ आउटकम सेट करी, उसके ऊपर काम करा, उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक। तो उस हिसाब से हमें अपने प्रेजेंट में ही एंजॉय करना है। प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, प्रेजेंट में मेहनत करेंगे, प्रेजेंट में काम करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली ही अच्छा होगा। Thank you.